Today, we are going to discuss a new topic. First of all, we need to know what is work? Work hoti kya hai? Kya hoti hai work? In simple words, we can say that a verb is an action verb. Ye verb kya hoti hai? Action verb words hote hain. Hum agar simple si bhasha mein bole, agar aapko puchu कि वर्ब क्या होती है, एक्शन वर्ड्स होते हैं जो हमारे किन को एक्सप्रेस करते हैं, एक्शन को, किसी भी ह्यूमन के, किसी भी पर्सन के, एनिमल के, थिंग के, किसी भी चीज़ के एक्शन को, ठीक है। इवन जो आप रोबोट बात करते हो, रोबोट का भी जो एक्शंस होते हैं उनको भी अगर कुछ एक्सप्रेस करना है तो भी वर्ब ही यूज होगी। यानी कि ह्यूमन, एनिमल, थिंग्स, किसी भी चीज़ के एक्शन को, जो भी कोई काम कर रहे हैं इंसान, ठीक है, या कोई चीज, उसके एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड है उसे हम बोलते हैं वर्ब। पर क्या सिर्फ ये हमें एक्शन ही एक्सप्रेस करते हैं? ये हमारा क्वेश्चन है कि वर्ब क्या सिर्फ एक्शन एक्सप्रेस करेंगे? नहीं, वर्ब हमारी स्टेट को एक्सप्रेस करता है कि इन विच स्टेट वी आर, ओके, एंड इट ऑल्सो एक्सप्रेसेस द पोजेशन, इफ वी हैव एनी पोजेशन ऑन अनदर थिंग, ठीक है, किसी भी चीज पे अगर हमारा कोई पोजेशन है तो वो भी क्या है, वर्ब एक्सप्रेस करेगा। करेक्ट है, समझे? तो वर्ब हम क्या बोलेंगे, वर्ब क्या क्या शो करेगा? वर्ब शो करेगा एक्शन, पोजेशन और स्टेट। एक्शन कैसे? जैसे कि I am going to market. अब I क्या है, यानी कि मैं क्या एक्शन कर रही हूँ, going to market, मार्केट जाने का, ठीक है। पोजेशन कैसे, जैसे कि I have a book, कि मेरे पास क्या है, बुक है। हैव मैंने यूज करके क्या दिखाया, उस बुक पे मेरा पोजेशन, ओके। स्टेट कैसे, सीता felt sick. सीता फेल्ट सिक, कि सीता क्या है, बीमार फील कर रही थी, तो वो किस स्टेट में थी, सिकनेस की स्टेट में थी। तो यानी कि फेल्ट, हैव एंड गोइंग, ये क्या है हमारा, गोइंग हमारा एक्शन बता रहा है, हैव हमारा पोजेशन बता रहा है, एंड फेल्ट हमारा क्या कर रहा है, क्या शो कर रहा है, स्टेट। सो ये जो मैंने अभी बोला, ये अब हम डेफिनेशन में पढ़ते हैं कि क्या है डेफिनेशन। अ वर्ब इज अ डूइंग वर्ब। फर्स्ट ऑफ ऑल नीड टू नो कि वर्ब क्या है, डूइंग वर्ड है, ठीक है, जो क्या शो करते हैं, हमारे एक्शन को, हमारे इवेंट्स को जो हो चुके हैं या होने वाले हैं, या स्टेट को कि किस स्टेट में हम हैं, ठीक है। एक सेंटेंस में या तो क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी या होगी मेन वर्ब। क्या है, एक सेंटेंस में या तो हेल्पिंग वर्ब होगी या होगी मेन वर्ब, या फिर दोनों। जैसे बच्चे ह्यूमन का कहते हैं ना कि बैकबोन होता है इसके, अगर हम कहें कि रीढ़ की हड्डी को अगर हम निकाल दें तो क्या इंसान चल सकता है, नहीं चल सकता। इसी तरीके से वर्ब भी क्या है, इट्स लाइक अ बैकबोन ऑफ अ सेंटेंस। अगर मैं वर्ब को निकाल दूं एक सेंटेंस से, ठीक है, तो उस सेंटेंस का क्या है, कोई मतलब नहीं रह जाता, वो सेंटेंस क्या है, चल नहीं सकता। एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि सीता फेल्ट सिक, अगर मैं फेल्ट निकाल दूं, बचा क्या, सीता सिक, मतलब रहा कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं रहेगा, कि क्या है, कोई मतलब रह ही नहीं जाएगा, ओके। तो वर्ब क्या इन्फॉर्म करती है, एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग अकरेंस। ये क्या है, सेंटेंस का बिल्कुल मेन पार्ट होती है। वर्ब क्या है, किसी भी सेंटेंस का मेन पार्ट होती है, ठीक है, ओके। हाँ जी क्षितिज, ठीक है कि बच्चे वर्ब के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वर्ब क्या होती है, कोई भी एक्शन, जो भी एक्शन आप कर रहे हो, जैसे अभी अगर आप मुझे मैसेज टाइप कर रहे हो तो वो टाइप करना अभी क्या है, वो भी एक वर्ब है, क्योंकि वो भी एक एक्शन है ना, टाइप, ओके।
अगर आप स्टडी कर रहे हो ये भी एक एक्शन है, मैं टीच कर रही हूँ ये भी एक एक्शन है, अगर आप चल रहे हो तो एक्शन है, जंप कर रहे हो तो एक्शन है, ये सारे हमारे क्या है, वर्ड्स हैं, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्शन वर्ड्स हैं, जिनको हम बोलते हैं वर्ब है, ये हम कुछ भी कर रहे हैं, क्रिया। हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ब क्या होती है, क्रिया, क्रिया हमारे काम, जो भी काम हम करते हैं वो हमारा वर्ब है, और इसके बिना कोई भी सेंटेंस कंप्लीट होता ही नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इंसान की क्या एक तरीके से बैकबोन होती है ना, अगर हम बैकबोन रीढ़ की हड्डी निकाल दें इंसान नहीं चल सकता, तो सेम एज कि क्या है, सेंटेंस भी अगर वर्ब निकाल दो तो नहीं चल सकता। जैसे मैंने एग्जांपल बोला सीता फेल्ट सिक, तो अगर मैं फेल्ट निकाल दूँ, इफ आई रिमूव द फेल्ट फ्रॉम द सेंटेंस देन सीता सिक, कोई मतलब बनता है क्या? आई डोंट थिंक कि इसका कोई मतलब बन रहा है। सीता सिक टूटा फूटा से समझ आएगा पर प्रॉपर मीनिंग कन्वे नहीं करेगा। तो वर्ब क्या है सेंटेंस के लिए बहुत जरूरी है, कोई सेंटेंस इसके बिना कंप्लीट ही नहीं होता। आपको एक बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर बताती हूँ, क्या होती है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि एक सेंटेंस के अंदर क्या, एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, वर्ब होता है जिसके लिए काम किया जाता है, जो काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है जिसके लिए काम किया जाता है। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब होता है जो काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसके लिए किया जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक है, बहुत ही बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो वर्ब है, ये वर्ड, ये ड्राइव कहाँ से हुआ। वर्ब एक लैटिन वर्ड से, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है। वर्ब जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज से, उस लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वर्बम से, वर्बम से, इसका मतलब ही काम होता है। अब आते हैं हम टाइप ऑफ वर्ब पे, कि वर्ब की टाइप कौन कौन सी होती है। पहली टाइप होगी मेन वर्ब, जिसको हम क्या है, एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। दूसरी है हेल्पिंग वर्ब, तीसरी है लिंकिंग वर्ब, देन फोर्थ ट्रांजिटिव वर्ब, फिफ्थ इंट्रांजिटिव वर्ब, सिक्स फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। क्लियर है? जी हाँ, यहां तक वर्ब तक किसी को कोई डाउट है क्या? कि हमने क्या किया कि जो भी हम काम करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा वर्ब होता है। क्लियर है? फिर हमने डिस्कस किया था कि वर्ब वर्ड कहां से ड्राइव हुआ है, ये वर्ड ड्राइव हुआ है लैटिन लैंग्वेज के वर्ड वर्बम से। ठीक है, उसके बाद हमने बात की टाइप पे, टाइप क्या हो गया, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब, ये हमारा फर्स्ट टाइप है। और लिखने का मतलब है बेटा, इसको मेन वर्ब भी बोलते हैं, इसको एक्शन वर्ब भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों वर्ड याद रखने हैं। एग्जाम में आपको मेन वर्ब भी लिखा आ सकता है या मेन वर्ब की जगह एक्शन वर्ब भी लिखा आ सकता है। ठीक है, होता क्या है ये अब हम आगे अपने डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप है हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन लिंकिंग वर्ब, देन ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। करेक्ट, अब हम करते हैं हमारी फर्स्ट टाइप विच इज एक्शन वर्ब। अब पहले हम है ना समझते हैं नाम से। ठीक है, पहले नाम से समझते हैं एक्शन वर्ब। एक्शन से आप क्या समझते हो, कोई भी एक्शन करना। अगर मैं आप लोगों की तरफ हाथ हिलाती हूँ तो वेव करना मेरा क्या हो गया, एक एक्शन है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जंप कर रहा है तो आप उसको देख पा रहे हैं कि वो कौन सा एक्शन कर रहा है, जंप करने का। तो जंप क्या हो गया, एक्शन, और वो क्या है, एक काम है, तो हम उसको एक्शन वर्ब बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, कोई पर्सन आपके सामने स्माइल कर रहा है, द समबडी इज स्माइलिंग। ठीक है, तो वो कौन सा एक्शन कर रहा है, दैट ही इज स्माइलिंग। मतलब कोई भी एक्शन, इफ अ पर्सन इज परफॉर्मिंग, ज्यादातर वर्ब हमारी बिलोंग करती है बच्चे एक्शन वर्ब से। अब एक्शन में सिर्फ आप यही मत लेना कि मैडम सिर्फ फिजिकल एक्शन बोला था, सिर्फ फिजिकल एक्शन ही क्या जो हमें दिखता है, नहीं बच्चे, इसमें हमारे मेंटल एक्शन भी आते हैं। मेंटल एक्शन क्या होंगे, अब आप कहोगे वो कौन से, जैसे हम सोचते हैं, जो हम फील करते हैं, जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, वो सारे एक्शन वर्ब के अंडर आ जाएंगे। ठीक है,
अब इस एक्शन वर्ब को मेन वर्ब क्यों कहते हैं? मेन वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी सब्जेक्ट है बच्चे, वो कोई एक काम कर रहा है, जो एक्शन कर रहा है वो मेन वर्ब है उसका, इसलिए उसे मेन वर्ब भी बोल देते हैं। चलो अब डेफिनेशन करते हैं। ये मैंने कुछ एग्जाम्पल समझाया, अभी हम वर्क करते हैं डेफिनेशन पे, ठीक है? फिर कहीं डाउट रहेगा फिर हम क्लियर करेंगे, ओके? एक्शन वर्ब आर दोज वर्ब व्हिच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शन। क्या एक्सप्रेस करते हैं? एक्शन, कोई भी एक्शन। अगर आप कोई भी एक्शन कर रहे हो, अगर आप बैठे भी हो, ये भी एक एक्शन है, सिट, है ना, है कि नहीं है? ये भी एक एक्शन है। अगर आपको मैं खड़ा कर देती हूँ, अगर आप बात कर रहे हो, मैं आपको कर देती हूँ खड़ा, ठीक है, तो वो भी क्या है? वो भी एक एक्शन है। एक्शन किन के? किसी भी एनिमल के एक्शन, ठीक है, किसी भी पर्सन के एक्शन, और किसी भी थिंग का, मतलब कोई भी काम जो कोई पर्सन, कोई एनिमल, कोई थिंग, कोई एक्शन एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोल देंगे? सिंपल सा बोलेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है? और एक सेंटेंस के अंदर वो पूरा एक मेन काम हो रहा होता है, मेन वर्क है, इसीलिए उसे हम बोलते हैं मेन वर्क। देयर आर सम मैसेजेस बच्चे। हाँ जी, शी टेस्टेड द स्ट्यू, वेरी गुड बच्चे, ये मुझे भेजा है युवराज ने, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। अनु, यस थिंकिंग, ठीक है, वेरी गुड। समीर, वॉक, गुड बच्चे, यानी कि आपको समझ आ रहा है, आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन आपको समझ आ रहा है, ठीक है ना? दो मिनट बच्चे, जिन्होंने हैंड रेज किया है, मैं आपसे अभी आपके क्वेश्चंस लेती हूँ, क्या क्वेरीज आपकी, ठीक है? फिलहाल एक्शन वर्ब के बारे में दो मिनट थोड़ा सा बता देती हूँ कि एक्शन वर्ब एक्शंस को एक्सप्रेस करते हैं एक ह्यूमन के, ठीक है? ह्यूमन में चाहे एनिमल हो, चाहे पर्सन हो, कोई भी एक्शन, एक्शन माने समझो काम, कोई भी काम जो एक पर्सन करता है उसे हम बोलेंगे एक्शन वर्ब, ठीक है? ये भी कॉन्स्टेंट चेंजेस है, ठीक है? तो फर्स्ट एग्जांपल है द सन शाइन्स। अब सन क्या है? मेन काम है उसका शाइन करने का, ठीक है? तो सन क्या एक्शन कर रहा है? शाइन करने का एक्शन कर रहा है। सन क्या एक्शन कर रहा है? शाइन करने का। तो सन का क्या हो गया? मेन वर्ब भी यही हो गया कि सन का मेन काम क्या है? शाइन करना, और वही उसका एक्शन है, तो ये मेन वर्ब हो गया ना, एक्शन वर्ब। नेक्स्ट देखिए, मेन वर्ब और एक्शन वर्ब एक ही है, इसीलिए मैं दोनों टाइम वर्ड सेम यूज नहीं कर रही। द हॉर्स नेज, नेग नहीं बोलना इसको, ये नेज है। नेज माने हॉर्स, जो बच्चे साउंड निकालता है ना उसे बोलते हैं नेज। जो भी जैसे डॉग की साउंड है बाक करना, वैसे ही हॉर्स की साउंड है नेज, ठीक है? द हॉर्स नेज, यानी कि हॉर्स क्या काम कर रहा है? नेज करने का कर रहे हैं, ठीक है ना? तो उसका एक्शन वर्ब जो वो एक्शन कर रहा है वो क्या है? नेज करने का, करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा द मंकी जंप्स, कि मंकी क्या है, क्या काम कर रहा है? जंप करने का। तो मंकी का मेन एक्शन क्या हुआ? जंप करने का। सो शाइन, नेज, जंप, ये क्या है? ये हमारे एक्शन वर्ब है, जिसमें क्या है, हमारे सब्जेक्ट क्या है, कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं। सनशाइन करने का कर रहा है, हॉर्स नेज करने का कर रहा है, मंकी जंप करने का कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कोई ना कोई एक्शन कर रहे हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? एक्शन वर्ब। चलो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आपको और भी क्लियर हो जाएगा। लुक एट हियर, पहली एग्जांपल देखिए, रन। अगर मैं कहूं कि राम इज रनिंग, इस लाइन में राम क्या काम कर रहा है? रन करने का, यानी कि उसका एक्शन क्या हो रहा है? रन करने का। अगर डांस, डांस नहीं बोलना इसको, इट्स कॉल्ड डांस, ठीक है? डांस क्या, तो अगर मैं कहूँ सीता इज डांसिंग, ठीक है, तो सीता क्या काम कर रही है? उसका मेन एक्शन वर्ब क्या है? कौन सा एक्शन कर रही है? डांस कर रही है, ठीक है? अगर कहूँ द चाइल्ड इज स्लाइडिंग ऑन द फ्लोर, तो चाइल्ड क्या एक्शन कर रहा है? स्लाइड करने का। स्लाइड समझ रहे हो, घूमना ऐसे फ्लोर पे, है ना, स्लाइड करने का। तो चाइल्ड क्या है, एक्शन क्या कर रहा है? स्लाइड करने का, ओके? सेम एज जंप, जैसे अभी पीछे एग्जाम्पल पढ़ी थी हमने, द मंकी जंप्स, तो मंकी क्या कर रहा है? एक्शन जंप करने का, करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट है हमारा थिंग, नेक्स्ट है थिंग। अगर मैं कहूँ शी इज थिंकिंग, तो वो कौन सा एक्शन कर रही है? थिंक करने का। समझ आ रही है आपको? अगर आ रही है तो आप यस लिख सकते हैं, ओके। गो, गो माने अगर मैं कहूँ ही इज गोइंग टू स्कूल,
तो गो क्या है, एक्शन है किसका, ही का। ही माने कोई भी पर्सन हो गया, ठीक है। मैं आपको कहूँ स्टैंड अप, तो आपका स्टैंड होना क्या है, एक्शन है। सिट डाउन, सिट होना क्या है, एक्शन है। अगर मैं कहूँ दैट, हमारे पास अभी एक लड़की है यहाँ पे रुचि, है ना, मैं कहूँगी रुचि इज स्माइलिंग, तो रुचि क्या कर रही है, स्माइल कर रही है। तो रुचि कौन सा एक्शन कर रही है, स्माइल करने का कर रही है। लिसन, लिसन माने सुनना, ये भी क्या है, एक्शन। डू, डू माने करना, ये भी क्या है, हमारा एक्शन। इसके बावजूद भी तो वो पूछ सकता है, मैं अभी आपको अनम्यूट कर रही हूँ, एक एक करके आप उसे पूछ सकते हैं। और अगर क्लियर हो गया तो आप मुझे थम साइन दिखाइए, एज यू ऑल डू, है ना, जैसे आप हमेशा करते हो। पहले थम साइन जिनको क्लियर हो गया है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि कितनों को क्लियर हो गया। नो, इतने सारे मैंने टाइप्स दिखाए हैं, ये अभी एक टाइप हुआ है। अभी जो एक बेसिक चीज है बच्चे, मैंने आपको जो बतानी, जो बेसिक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें, हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।